200 साल राज करने के बाद 1947 में अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए स्वतंत्र राजे, रजवाड़े और रियासतें, जिनकी संख्या थी करीब 662। भारत का संविधान लिखा जा रहा था। इन स्वतंत्र रियासतों को शामिल किए बिना भारतीय परिसंघ की कल्पना नहीं की जा सकती थी। संविधान शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्र रियासतें अंग्रेजों की पिट्ठू रही हैं। ऐसे गुलाम मानसिकता वाले संस्थानों और रियासतों के भरोसे भारत के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा जा सकता। ये गुलामों के गुलामी करने जैसा ही है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों से अपील की कि वे भारतीय परिसंघ में शामिल हो जाए। भारत की अंतरिम सरकार के आह्वान पर 552 रियासतों ने खुद ही भारतीय परिसंघ में शामिल होने की बात मान ली। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर की रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का आह्वान ठुकरा दिया। जूनागढ़ ऐलान कर चुका था कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा और कश्मीर आजाद रहना चाहता था। आखिरकार अपनी जिद पर अड़ी इन स्वतंत्र रियासतों को भारतीय सेना की मदद से भारतीय परिसंघ में शामिल कराया गया और इस कार्यवाही के बाद भोपाल रियासत ने खुद ही परिसंघ में विलय की बात मान ली। अंग्रेजों के जमाने में भारतीय क्षेत्र की सबसे बड़ी स्वतंत्र रियासत थी हैदराबाद स्टेट। खासकर गोदावरी नदी के किनारों पर फैले हैदराबाद स्टेट के 16 जिलों को 4 विभागों में समेटा गया था। वारंगल, मेदक, गुलबर्गा और औरंगाबाद मराठवाड़ा। मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, बीड, हिंगोली और जालना शामिल थे। भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद इन रियासतों पर निजाम परिवार का शासन 1724 से ही था। निजाम से पहले औरंगाबाद पर राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, बदायूनों और चोल वंशियों आदि ने शासन किया। दौलताबाद, जिसे देवगिरी का किला भी कहा जाता है, यहाँ यादवों का भी शासन रहा है। यादवों से पहले मुगल और फिर यहाँ निजाम का शासन आया। अपने अजीब फरमानों के लिए मशहूर दिल्ली के शासक मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी यानी दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की थी। तुगलक जानता था दिल्ली पर कोई भी आसानी से आक्रमण कर सकता है। ऐसे में औरंगाबाद ही एक सुरक्षित स्थान था जहां से चारों तरफ आसानी से शासन किया जा सकता था। Later this year, the capital of my empire will be shifted from Delhi to Daulatabad. Your surprise is natural. But the more important factor is that Daulatabad is the city of the Hindus. And as the capital, it will signify the unity between Hindus and Muslims, which I wish to strengthen and develop in my kingdom. I invite you all to accompany me to Daulatabad. This is only an invitation, not an order. Only those who have faith in me may join me. And with their help, I will build an empire which will be the envy of the world. लेकिन यहाँ आम लोगों की तकलीफें देखकर कुछ सालों बाद मोहम्मद तुगलक को अपनी राजधानी फिर से दिल्ली को ही बनाना पड़ा। औरंगजेब ने अपने जीवन का आखिरी समय यहीं बिताया। खुलताबाद में औरंगजेब की समाधि है। औरंगजेब की बीबी रबिया दुर्रानी का मकबरा भी यही है। बीबी का मकबरा नाम से मशहूर इस मकबरे को पश्चिम का ताजमहल भी कहते हैं। मलिक अंबर, इसके पहले मलिक अंबर बादशाह था, उसके ज़माने में उसका नाम खिड़की था। लेकिन जब औरंगजेब ने जब हिंदुस्तान में जब आके जब 50 साल राज किया तो औरंगाबाद को इसने अपना पायर तक मतलब सेंटर बनाया। जैसा दिल्ली कैसा है ऐसा औरंगजेब वहाँ रहता था, उसने अपने नाम से उसका नाम औरंगाबाद रखा। उसकी माँ की वसीयत थी कि मेरी समाधि ऐसी होनी चाहिए जो शाहजहाँ का ताजमहल। तो माँ की इच्छा के मुताबिक उसने
औरंगाबाद में शाहजहाँ की काफ़ी ताजमहल की काफ़ी की है, और उसके बाद की इच्छा थी कि मेरी समाधि कच्ची मिट्टी का ढेर रखना गरीबों के लिए। बड़ा बादशाह था और अपना गुजारा अपना कुरान टोपी बेच के करता था, टोपी सीता था बेच के करता था, सरकारी पैसे को हाथ नहीं लगाया। उसका ध्यान अहमदनगर हुआ, उन्हें उसके बेटे को बोल दिया से मैं कहीं मरूँ मेरे पीर मुर्शिद मेरे गुरु के चरणों में ला के रखना, यहाँ अंदर उनके गुरु है बाजी ख्वाजा, उनके चरणों में अहमदनगर से बॉडी को यहाँ ला के रखा और माँ बाप की यहाँ बनाया, माँ की औरंगाबाद में बनाया। इसके लिए उसको औरंगाबाद कहा जाता है औरंगजेब के नाम से। पहले इसका नाम था रौजा, रौजा था, ये खुल्दाबाद का नाम खुल्दाबाद नहीं था, रौजा था। जब ये सब ये संत साधु लोग यहाँ आके बसे तो उसका नाम खुल्दाबाद रखा गया। खुल्दाबाद के मानी होता है जन्नत जैसा, क्या बोलते हिंदी में सर। औरंगाबाद में है पंचक्की, ये प्रकृति का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर बनाया गया वाटर सप्लाई सिस्टम है, जिसे नहरे अंबरी कहा जाता है। राजा मलिक अंबर द्वारा बनाए गए इस नहरे अंबरी में 6 किलोमीटर दूर से पानी आता है। मिट्टी की पाइपलाइन से आता यह पानी हर मौसम में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करता है। इसके चेंबर में लोहे का पंखा घूमता है, जिससे गेहूं पीसने की आटा चक्कियां भी चलाई जाती हैं। औरंगाबाद को जाना जाता है विश्व प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं के लिए। यहाँ है 5वीं सदी की अजंता एलोरा गुफाएं, जिनका निर्माण ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी तक हुआ। वहीं दूसरी सदी के पित्तल खोरा, कंधार की गुफाएं और किला भी यहाँ है। देखा जाए तो ये सभी महत्वपूर्ण स्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बेहद उपजाऊ है और यहाँ का वातावरण अनुकूल है। यहाँ एक मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। व्यापार और कला के प्रोत्साहन के लिए भी यह स्थान अनुकूल है। यहाँ मुगलई बुनाई कला, हिमरू से बने शाल और साड़ियों का चलन है, जो यहाँ के दलित मुस्लिम बुनकर बनाते हैं। वीविंग टेक्निक आता, वीविंग स्टाइल में हिमरू आता, वीविंग स्टाइल। बाकी मटेरियल्स हमारे पास भी बाहर से आता है, इसका वीविंग यहाँ होता है। ये टोटली हैंड वीविंग आता है, इस पे सब अजंता एलोरा का हेड ऑफ फ्लावर वीविंग स्टाइल आता है यहाँ का टिपिकल, इसीलिए हिमरू साइन आता है। ये 200 साल पुराना वीविंग टेक्निक है। पैठण यहाँ का ऐतिहासिक शहर है। यहाँ बनती है अजंता चित्रकारी वाली पैठणी साड़ी। यहाँ की वादियाँ फिल्म इंडस्ट्री को भी खासी आकर्षित करती हैं। पाकिजा सहित कई फिल्मों की शूटिंग इन क्षेत्रों में हुई है। मराठवाड़ा को हम कई कारणों से याद रख सकते हैं। पूरी दुनिया में मराठवाड़ा की और औरंगाबाद की पहचान सही मायने में एलोरा और अजंठा की गुफाएं की वजह से। ये जो बुद्धिस्ट गुफा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है, तो ये क्या चीज़ है ये देखने के लिए बाबा साहब को उत्सुकता हुई, एक देखने के लिए यहाँ आना ज़रूरी समझा। तो बाबा साहब नासिक से वैजापुर, जो वैजापुर और येवला की तरफ का रास्ता है, उसी रास्ते से बाबा साहब औरंगाबाद में आए। और औरंगाबाद में सबसे पहला गांव वैजापुर और दूसरा गांव जो था माड़ीवाड़ा, तो माड़ीवाड़ा में बाबा साहब पहली बार रुके। तो उस टूर का खास अंदाज ये था कि बस एलोरा अजंठा गुफाएँ देखना, ये हिस्टोरिकल चीज़ें देखना, और यहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, देखकर वापस जाना। तो आते आते मालीवाड़ा गांव में बाबा साहब आते हैं, वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ के जो महार समाज के, जो पूर्वाश्रमी का महार समाज था, वो महार समाज के चोखोबा दादा साठे वो वहाँ पर उनको मिलते हैं।
चोखोबा दादा साठे और उस वक्त के सामाजिक कार्यकर्ता जो छोटा मोटा काम करते थे, संगठन बनाते थे, चोखोबा दादा साठे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब को मिलते हैं और वहाँ उनको हार पहनाते कि भाई इतना महान नेता, क्योंकि वो तब तक तो सभी को पता चला था कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई नेता है और वो बहुत बड़ा नेता है, दलितों का, पिछड़े जातियों का, सभी के हक में बात करता है और शासन तक हमारी बात लेके जाने का प्रयास करता है, तो सभी लोग प्रभावित थे। लेकिन बाबा साहब को किसी ने देखा नहीं था। मराठवाड़ा के लिए तो वो दुर्लभ बात थी, क्योंकि ब्रिटिश रेजिम में बाबा साहब का आना जाना सहज था, लेकिन मराठवाड़ा में बाबा साहब नहीं आए थे। मराठवाड़ा ये दूर भी था, बैकवर्ड होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और कुछ आने जाने का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था जितना ब्रिटिश रेजिम में था। तो एक ही ट्रेन थी जो निज़ाम के हक में थी और निज़ाम ने खुद के काम के लिए, अपना खजाना लेके जाने के लिए, अपने शासक सैनिक और सैनिक की कार्रवाई के लिए जो साहित्य लगता था वो लेके जाने के लिए उन्होंने अपने निज़ाम के इस हैदराबाद स्टेट में रखी थी। तो वो ट्रेन के सिवाय यहाँ आवाजाही कुछ नहीं थी। तो अगर वो ट्रेन से कोई आना है तो उसकी परमिशन, फिर जो कॉमन आदमी था उसको आने जाने का तो सवाल ही नहीं आता। तो ऐसे मराठवाड़ा में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता कैसे आ सकता था, मुश्किल थी बड़ी बात। लेकिन यहाँ अजंठा एलोरा जो बुद्धिस्ट गुम्फाएँ थी उसको विजिट करने का चांस मिला और बाबा साहब आए मालेवाड़ा से, चोखा दादा साठे को मिलते हैं, फिर वहाँ से बाबा साहब दौलताबाद को आते हैं, दौलताबाद का जो किला है। लेकिन मराठवाड़ा के इतिहास में दर्ज है कई काली कहानियां। जब बाबा साहब आते हैं, किला देखते हैं, तो वहां पर कुछ निजाम हुकूमत के जो काम करने वाले लोग हैं, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, ये बात ध्यान में रखिए आप, निजाम हुकूमत में कुछ काम करने वाले उनके चाकर नौकर जो मुस्लिम थे, उन्होंने बाबा साहब को वहां पानी पीने से रोका गया। बाबा साहब जैसा महान नेता जो बंबई से आता है, आला नेता है दलितों का, पस्त कौम का, अर्जले कौम का, और उनको यहाँ पर एक काम करने वाला आदमी, पानी खराब होता है और आप हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का सबसे पहला उदाहरण वहाँ पर पेश हुआ बाबा साहब अम्बेडकर को, कि अरे एक निज़ाम के हद में काम करने वाला एक सादा सा नौकर मुझे किसी हौद में पानी पीने से रोकता है। बाबा साहब बड़े अचंभित हुए, उस घटना से उनको दुख लगा। तो वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने बहस भी हुई, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, एक दिन आएगा, हम इनको अच्छी तरह से ये बात समझाएं कि भाई मानवता इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अस्पृश्यता का वो उदाहरण देखकर बाबा साहब बड़े मायूस हुए, बाबा साहब बड़े परेशान हुए कि निज़ाम स्टेट में दलितों की हालत इतनी गंभीर है, मैं आला नेता बम्बई से आया हूँ, मेरे साथ पूरे चार छः लोग हैं, अधिकारी है, जमावड़ा है, इतना होने के बावजूद भी एक सादा सा नौकर, एक सादा सा निज़ाम के हद में काम करने वाला आदमी मुझे रोकता है, तो यहाँ के दलितों की स्थिति क्या होगी। तो उस चीज़ से बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी हुए, प्रभावित हुए। ये निज़ाम, ये मराठवाड़ा, ये औरंगाबाद और यहाँ का दलित समाज, ये क्या है, ये जानने की उत्सुकता वहाँ पर बढ़ी। उन्होंने उस वक्त के चोखा दादा साठे, भाऊसाहेब मोरे, भाऊराव गायकवाड़, ये जो नासिक के भाऊराव गायकवाड़ थे, इनके साथ सलाह मशवरा करके यहाँ का सब चीज़ें जानने की कोशिश की। फिर बाबा साहब उस पूरे दौरे में एलोरा केव्स और दौलताबाद देखकर वापस जाते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं कि मराठवाड़ा की दलितों की हालत ये बाकी दलितों के हालत से थोड़ी सी अलग है, ये बात सोचने लगे बाबा साहब। तो उसी दौरान 1935 में येवला में धर्मांतरण की घोषणा हुई। येवला जो कि औरंगाबाद का सबसे नज़दीक का गांव है नासिक ज़िले का, वहां पर 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां आते हैं, धर्मांतर की घोषणा करते हैं। उसी वक्त उस धर्मांतर की घोषणा में येवला सभा में मराठवाड़ा से बहुत सारे दलितों को साथ में लेकर, युवाओं को साथ में लेकर मराठवाड़ा के नेता बाबूसाहेब मोरे, जिनको बीएस मोरे कहा जाता था, बीएस मोरे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर येवला जाते हैं, येवला की उस सभा में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात होती है और उनको मराठवाड़ा के कार्यकर्ता, मराठवाड़ा के उस वक्त के दलितों के हालातों के बारे में अवगत कराते। तो बाबा साहब उसी वक्त उनको वचन देते कि मैं मुगलाई में
यानी उस वक्त मुगलाई कहा जाता था। ये सही मायने में एक्चुअली निज़ाम जो था ये मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ पर, ये कोई राजा नहीं था, ये मुगलों का दक्खन का रिप्रेजेंटेटिव बोलकर यहाँ पर काम करता था। लेकिन इस इलाके को भारत भर में मुगलाई के नाम से जाना जाता था। तो बाबा साहब वंदनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुमति दी कि यस मैं मुगलाई में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे वो वाक़यात याद है जब दौलताबाद में मुझे पानी पीने से रोका गया था। रोजी रोटी का संघर्ष करते हुए ये दलित जब गुजर रहा था तो 1934 की बाबा साहब के औरंगाबाद विजिट, उसके बाद धर्मांतर 16 में येवला में कुछ मराठवाड़ा के लोग जाते हैं, तो उसका आउटकम ये रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं 30 दिसंबर 1938 को मैं आऊँगा और वहाँ पर आप सभी का आयोजन कीजिए, सभी का आयोजन में मैं जरूर शरीक होऊंगा और वहाँ मुझे दलित उद्धार की, समाज उद्धार की बात करनी है।